वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन MGB's आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज मालेगांव सिटी। टुडेज आवर लेक्चर इज इन क्लास FYBSC सब्जेक्ट ज्योग्राफी फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेमिस्टर फर्स्ट। चैप्टर नंबर वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। सब टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी बाय महमूदुर रहमान। सबसे पहले अभी हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी की, कि जियोमॉर्फोलॉजी एक्चुअल में क्या है, क्यों स्टडी किया जाता है, कैसे स्टडी किया जाता है, उसका क्या क्या स्कोप है, और ज्योग्राफी में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। इन सब के बारे में हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी की। द टर्म जियोमॉर्फोलॉजी कम फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फोज मीन्स शेप एंड लोगोज मीन्स स्टडी। इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड इवेल्यूएशन ऑफ टोपोग्राफिक फीचर्स। जियोमॉर्फोलॉजी जो वर्ड आया है वो एंशियंट ग्रीक वर्ड से आया है, पुराना ग्रीक वर्ड है ये, जिसका मीनिंग होता है, जियो का मीनिंग होता है अर्थ, मॉर्फोस का मीनिंग होता है शेप एंड लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी। तो यहाँ पर हम इसका ऐसा मतलब लेंगे अर्थ के शेप की स्टडी, मतलब अर्थ का शेप कैसा है, उस पर क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हुए हैं, उसका शेप कैसे बना, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, कौन कौन से फैक्टर्स पर इन्फ्लुएंस हुए जिसकी वजह से हम आज हमारी अर्थ इस शेप में है। तो इन सब के बारे में हम ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी में हम इसकी स्टडी करते हैं कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, उसका शेप कैसे बना, ये इन तमाम बातों की स्टडी हम जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं। मीन्स इज द स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ टोपोग्राफिक फीचर्स। और उसके टोपोग्राफिक फीचर्स कैसे ओरिजिन हुए, उसके टोपोग्राफिक फीचर्स कैसे बने, इसकी भी स्टडी हम जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं। टोपोग्राफिक फीचर्स मीन्स उसका शेप, आज जो ज़मीन का शेप है, उसकी जो ज़मीन है कैसे उसका ओरिजिन हुआ, उसका शेप कैसे बना। मीन्स जो ज़मीन की ऊपरी लेयर है, ऊपरी शक्ल जो है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। जैसे आज कहीं पर पहाड़ है तो वो पहाड़ कैसे बना, कहीं पर प्लेन मैदान है वो प्लेन मैदान कैसे बना, कहीं पर समुंदर है तो उस समुंदर और रोशन कैसे बना, इन तमाम की स्टडी हम जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं। टोपोग्राफिक फीचर में यही सब हम स्टडी करेंगे कि हाउ टू क्रिएट अर्थ, यानी कि अर्थ कैसे क्रिएट हुआ, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, इन सब बातों को हम जियोमॉर्फोलॉजी में देखेंगे। उसके बाद हम दूसरी और एक डेफिनेशन देख लेंगे जियोमॉर्फोलॉजी की। जियोमॉर्फोलॉजी की दूसरी डेफिनेशन है जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड हिस्ट्री ऑफ द लैंडफॉर्म एंड द प्रोसेस विच क्रिएट देम। मतलब जियोमॉर्फोलॉजी में उसके नेचर को स्टडी की जाती है, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी का नेचर कैसा है, वो इन्वायरमेंट के साथ कैसे नेचर को प्ले करती है, एंड हिस्ट्री ऑफ लैंडफॉर्म, और लैंडफॉर्म की स्टडी करते हैं, मतलब जो आज लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ है उसकी स्टडी करते हैं, मतलब लैंडफॉर्म कैसे क्रिएट हुआ, कौन कौन से फैक्टर इस पर इन्फ्लुएंस हुए, किस वजह से आज जो लैंडफॉर्म ओरिजिन हुआ है किस वजह से हुआ है, क्या क्या कॉजेस है उसके, क्या क्या ज़मीन में चेंजेस हुए, ज़मीन के ऊपरी लेयर में कौन कौन से चेंजेस हुए जो आज हमारी ज़मीन इस शेप में मौजूद है, उसकी पूरी पूरी स्टडी करते हैं हम, जब से अर्थ का ओरिजिन हुआ और अभी तक जो जो भी इसमें चेंजेस हो रहे हैं या चेंजेस हुए, इन तमाम की स्टडी हम जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं। एंड प्रोसेस विच क्रिएट देम, और कौन कौन से प्रोसेस इसमें क्रिएट हुए जो आज ज़मीन को अर्थ को शेप देते हैं, मतलब जब से ज़मीन का ओरिजिन हुआ है तो आज तक कौन कौन से उस पर प्रोसेस हुए, कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से फैक्टर इस पर इन्फ्लुएंस हुए,
जो आज हमारी ज़मीन हमारी अर्थ इस शेप में मौजूद है। इन तमाम बातों की स्टडी हम जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। क्या है जियोमॉर्फोलॉजी? लैंडफॉर्म की स्टडी करना है, मतलब ज़मीन की जो लैंडफॉर्म है उसकी स्टडी करना है कि जैसे ज़मीन की लैंडफॉर्म कैसे वजूद में आई और जो लैंडफॉर्म है कौन कौन से फैक्टर्स से बने हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इन पर इन्फ्लुएंस हुए हैं। देयर प्रोसेस फॉर्म एंड सेडिमेंट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो इस पर सेडिमेंट्स हैं, इस पर जो सॉइल्स हैं, वो कैसे उनका ओरिजिन हुआ है, यानी जो सेडिमेंट्स के एक्यूमुलेट होने से जो लैंडफॉर्म बना है वो किस तरीके से बना है, उस पर क्या क्या प्रोसेस हुए हैं और उस सेडिमेंट से सेडिमेंट पर क्या क्या प्रोसेस हुए हैं, तो आज हमारा वो लैंडफॉर्म ओरिजिन हुआ है। एंड सम टाइम ऑन द प्लैनेट। अब जियोमॉर्फोलॉजी में हमारी सिर्फ हमारी ज़मीन की स्टडी नहीं करते, बल्कि दूसरे अदर प्लैनेट्स की भी इसी तरह स्टडी करते हैं जिस तरह हम अर्थ की स्टडी करते हैं। मतलब अगर हम दूसरे प्लैनेट की स्टडी करें, मतलब हम मार्स की अगर स्टडी कर रहे हैं तो इसी गाइडलाइन पर करेंगे, इसी तरीके से करेंगे जिस तरह हम अर्थ की स्टडी जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं कि मार्स जो प्लैनेट है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उस पर क्या क्या प्रोसेस हुए, कौन कौन से फैक्टर इस पर इन्फ्लुएंस हुए वगैरह वगैरह, हम दूसरे प्लैनेट से रिलेटेड भी इसकी स्टडी करते हैं। स्टडी इंक्लूड्स लुकिंग एट लैंडस्केप टू वर्क आउट हाउ द अर्थ सरफेस प्रोसेस। और जो अर्थ सरफेस है वो किस तरह वर्क करता है, किस तरीके का वो हमारे सरफेस पर कौन कौन से फैक्टर इस पर इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इस पर प्रोसेस होता है। सच एज एयर, वाटर एंड आइस कैन मोल्ड द लैंडस्केप। और जैसे कि एयर, वाटर एंड आइस हमारे अर्थ को मोल्ड कर रहे हैं, हमारे अर्थ को मोल्ड कर रहे हैं। जैसे एयर जब चलती है, हवा जब चलती है, तो हमारे जो लैंड लैंड पर जो सॉइल्स होती है वो उड़कर, वो हवा में उड़कर एक जगह एक्यूमुलेट हो जाती है। क्या होती है? एक जगह एक्यूमुलेट हो जाती है। जैसे आप रेगिस्तानी इलाकों में देखते होंगे कि अर्थ जो रेतीले टीले बन जाते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में आपने देखा होगा सैंड के, रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं, ये एयर ही जो होती है वो उनको उड़ाकर एक जगह एक्यूमुलेट कर देती है, एक जगह जमा कर देती है। तो इसी तरीके से अर्थ का लैंडफॉर्म ओरिजिन होता है। अब वाटर, वाटर कैसे हमारी अर्थ को शेप देता है कि जब पानी बहता है तो उसके साथ मिट्टी वगैरह सेडिमेंट वगैरह भी बह जाती है, जिससे एक जगह जब वो बह कर जाती है रिवर्स वगैरह में तो वो एक जगह एक्यूमुलेट कर देती है, एक जगह जाकर। जैसे अब आपने नदी वगैरह में देखा होगा, जब नदी बहती है तो उसके साथ सैंड वगैरह के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी बह जाते हैं, और जब वाटर का फ्लो कम होता है तो एक जगह जाकर वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और आइस, आइस भी इसी तरीके से वर्क करता है। आइस के जब पार्टिकल्स बहते हैं तो उसके साथ सैंड वगैरह भी, रॉक के पार्टिकल वगैरह भी बहते हैं और एक जगह जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इसी तरीके से ये लैंडस्केप मोल्ड करता है, मतलब ये तीनों चीज़ें जैसे एयर, वाटर एंड आइस जो हमारी अर्थ को शेप देते हैं, एक दूसरे एक एक शेप से दूसरी शेप में उसको चेंज करते हैं। लैंड फॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एरोजन और डिपोजिशन। और लैंड फॉर्म दो तरीके से बनते हैं, एरोजन मीन्स ज़मीन का कटना एंड डिपोजिशन मीन्स एक जो ज़मीन का जो सेडिमेंट्स होती है कट कर एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाती। अब जैसे ज़मीन का कटाव हुआ, ज़मीन का एरोजन हुआ, तो वो जो जो कट पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाते हैं और वो दूसरे एक तरीके का लैंडफॉर्म क्रिएट वहाँ पर होता है। एज रॉक एंड सेडिमेंट इज वर्न अवे बाय दिस अर्थ सरफेस प्रोसेस। और इसी तरीके जो और रॉक और सेडिमेंट्स के जो पार्टिकल्स हैं,
पार्टिकल से एक जगह से दूसरी जगह पर वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और वो एक जगह से दूसरी जगह पर दूर हो जाते हैं, अवे हो जाते हैं, और उनसे मेन पार्ट जो अर्थ का पार्टिकल होता है, एक अपने मेन हिस्से से अलग होकर दूसरी जगह पर डिपॉजिट हो जाता है एंड ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू द डिफरेंट लोकेलिटीज, और एक जगह एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, डिफरेंट एजेंट की वजह से, जैसे एयर है, वाटर है, आइस है, ये फैक्टर्स की वजह से एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और एक जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो थैंक यू, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पॉइंट देखेंगे।